अरे ये ना हो स्टार्ट, अभी कर दूंगा। अरे पापा आपने भी नाक में दम कर रखा है, इतनी देर होगी किक मारे जा रहे हो, स्टार्ट तो होनी रहा आपका स्कूटर घटिया सा। बेटा स्कूटर किक से स्टार्ट होता है। अरे पापा हमें घर भी जाना है, जल्दी स्टार्ट कर लो इसको। अभी कर दूंगा। स्कूटर लिया वो भी पुराना, ये एंटीक पीस है, मार्केट में मिलता भी नहीं है। हाँ मिलेगा कैसे, बंजो हो गया ये। अरे इसको बेच दो और कोई पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी ले लो। इस स्कूटर को बेच के पुरानी कार ले लूं। जय हो ज्ञान देवी जय हो। अरे यार पापा आज की डेट में घर जाना है हमको। अभी कर दूंगा स्टार्ट बेटा, अभी कर दूंगा। कहाँ कर दोगे, इतनी देर से किक मारे जा रहे हो। ऐसा करो ऐसे ही चल लो, तुम आते रहेंगे ये बाद में, चलो। बीच में साथ छोड़ के जा रही है। एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं, पैदल जाना पड़ेगा, दूर है ना घर हमारा, थक जाएंगे। आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। अबे तेरी इतनी हिम्मत, शीशा डाउन कर भारा। अरे शर्मा जी आप, शर्मा जी सॉरी वो मैंने देखा नहीं, जल्दी में था। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा ये आपको जानता है क्या? बेटे ऑफिस में मेरा जूनियर है। अच्छा जूनियर है, फिर ठीक है। अरे शर्मा जी मैं आपका जूनियर होते हुए शानदार अल्टो कार में घूमता हूँ, और आप मेरे सीनियर होके भी टूटे फूटे स्कूटर में घूमते हो। अरे अपना ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल तो कर लिया करो, हाँ शर्म बिल्कुल नहीं आपको भी। चलो शर्मा जी मैं चलता हूँ अपनी अल्टो लग्जरी कार में। ओके बाय बाय, अपने स्कूटर का भी ध्यान रखना। कटवा ली ना आके, पड़गी कलेजे को ठंडक, पड़ गया पानी मुंह पे। पानी नहीं था वो, कीचड़ था। अरे यार मम्मी मैं ऐसे बोल रहा हूँ। बेटा ये नाक कटने का सवाल है, गाड़ी तो लानी पड़ेगी, चाहे तुम पुरानी ले आओ पर गाड़ी ले आओ। हाँ पापा हम भी ऐसे अल्टो 800 ले आते हैं ना, छोटी सी गाड़ी। हाँ पापा गाड़ी लानी पड़ेगी। चुप रहो, गाड़ी 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 लगा रखा है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आएगी, इसकी सर्विस करा लेंगे, ठीक ठाक चलेगा ये। तुम चल लो, मैं चल लूंगी पैदल धीरे धीरे। चलो मम्मी 2 किलोमीटर तो है, चले आप रहो घटिया से स्कूटर के साथ। हम जा रहे हैं। अकेले आना, अकेले आना। कार दिखा रहा है, इसको क्या पता स्कूटर क्या चीज है, ये एंटीक पीस है, आस पड़ोस में क्या तेरे पूरे मोहल्ले में नहीं मिलेगा कहीं। अभी स्टार्ट हो गया जाएगा पूरा 40 की स्पीड पे। साले को चाहे खींच के ले जाऊं पर लेके जाऊंगा। मम्मी थक गया आज तो, बहुत थक गए बेटा। आपके घुटने में दर्द हो रहा होगा अब तो। बहुत दर्द हो रहा बेटा मेरे घुटनों में। अरे मम्मी हमारी गाड़ी कब आएगी? हमारी अगर गाड़ी आ गई होती ना तो हमें चल के नहीं आना पड़ता, हम भी गाड़ी में आते। हाँ और ना पे घुटने में दर्द होता। और वो बंदा भी हमारी इतनी बेइज्जती नहीं करके जाता। हाँ मम्मी अगर हमारे पास गाड़ी होती तो उसका मुंह तोड़ देते हम। हम उसकी बेइज्जती करते। छोटी सी गाड़ी लेके हमको बोल रहा है। आज वो बंदा बहुत बेइज्जती करके गया है। पक्का तेरे पापा से आज मैं बात करूंगी। हाँ मम्मी आप पापा से बात जरूर करना, ठीक है। हाँ मम्मी गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। हाँ चल भाई रूम में चलते हैं। सर मैं नहाऊंगा मस्त। तू मुझे नहला दियो यार। आइए आइए। आज तो स्कूटर को धक्का लगा लगा के कमर ही टूट गई, कल किसी अच्छे से मैकेनिक से रिपेयर कराऊंगा। स्कूटर अच्छा है, गाड़ी नहीं लूंगा बिल्कुल भी। अरे सुनती हो, एक कप चाय ला दो अदरक और लौंग डाल के। अरे ला दो चाय। अरे चाय क्या पियोगे, कॉफी पियो। थक गए ना आप? बहुत थक गया स्कूटर खींचने में, जान निकल गई। और हम भी बहुत थक गए, दोनों मेरे बच्चे और मैं। अरे इतना पैदल चल चल के मेरे घुटनों में दर्द हो गया, और देखो छाला भी पड़ गया मेरे पैर में। देखो
साला कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे तुम वो छोड़ो, मैं ये कह रही थी गाड़ी तो ले ले, क्योंकि ना कभी कभी चलाएंगे, कोई हमेशा थोड़ी है। हम मैं और आप तो स्कूटर पे ही चलेंगे, लेकिन जब बच्चे हमारे साथ चलेंगे तो गाड़ी ले चलेंगे। देखो हमारे घर सामने खड़ी रहेगी, सेकंड हैंड ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप नई गाड़ी ब्रांडेड लो, आप सेकंड हैंड ले लो, थोड़ी कम चली और। लेकिन हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी होगी तो बच्चों का भी रोब रहता है कि भाई हमारे पापा के पास स्कूटर भी है, गाड़ी भी है। आप समझ सकते हो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो आपकी इज्जत हमारी इज्जत, समझ गए ना आप। इधर आओ। इस घर में गाड़ी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इधर आओ। क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं कह रही हूं गाड़ी आएगी, मैं लाऊंगी अपने बच्चों के लिए गाड़ी। ओ भाई तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? जब मैं शादी होके आई थी ना, कितना जेवर हीरे मोती लाई थी ना, सूद समेत चाहिए मुझे वो। अरे 10 गाड़ी खड़ी कर दूंगी अपने बच्चों के लिए ऐसी तो मैं। नहीं मैं ये कह रहा था तुम दिमाग पे जोर मत दो, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे तुम सोचते ही रहो और मैं गाड़ी दिला दूंगी अपने बच्चों को, समझे? दिलाएगी कहाँ से, पैसे तो मेरे अकाउंट में है, एटीएम चेकबुक मैं अपने पास रखता हूँ, मैं दिला के रहूंगी। यार डिगरो, मेरे को तो लगता है इस जन्म में हमको गाड़ी मिल ही नहीं पाएगी। लगता तो मेरे को भी ऐसे ही है। चल कोई नहीं, फिर अगले जन्म का वेट करते हैं। हाँ यार। ओए नहीं, अगले जन्म का वेट नहीं करेंगे यार, गाड़ी चाहिए हमको यार। फिर तो आज फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं पापा के पास। फिर पापा को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि पापा गाड़ी दिला दोगे नहीं। फिर पापा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि नहीं दिलाता। तो फिर? तो भाई हो गया ना फैसला कि गाड़ी नहीं आएगी। अबे मन बुद्धि चुप कर। अरे यार पापा को मनाते नहीं जाके, क्या पता पापा मान जाए। हाँ चल मना लेते, बाकी मेरा आइडिया ज्यादा बढ़िया था। अबे चुप कर, चुपचाप चल। चलो ओ भाई तू बोल। अबे तू बोलना, अबे तू बड़ा तू बोल। अरे बोलना यार। अरे हाँ हाँ बोलो, क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ ना। अरे पापा मैं यूँ कह रहा था कि हम भी गाड़ी ले लेके, पापा हमारे सारे दोस्तों के पास है। हाँ गाड़ी ले लेते हैं हम भी। अरे तो हाँ मना किसने किया, ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हो पापा, सच में? हाँ मैं भी सोच तो रहा था कर ही लेते हैं। ओ भाई पापा गाड़ी ले लेंगे। पापा यूँ बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है? भाई मैं तो कहता हूँ वो लेते हैं, वो कौन सी होती है वो? मर्कडीज। मर्सिडीज। मर्सिडीज नहीं यार, वो वाली लेंगे, वो कौन सी होती है? वो बीएमडब्ल्यू। नहीं वो लेंगे बुगाटी। अच्छा बुगाटी। यस सही गाड़ी वो भी। तो पापा कैसी रही बुगाटी, ले ले? अरे नहीं उसका थोड़ा सा एरिया ज्यादा है, कम एरिया में रहना पड़ेगा। अल्ट्रा 800। अरे नहीं यार सेंट्रो ले लेते हैं। हाँ सेंट्रो अच्छी है, व्हाइट कलर की। हाँ पापा सेंट्रो ले ले। सेंट्रो हाँ वो वाला देख सकते हैं, अंडर बजट है। क्या पापा सेंट्रो डन? यस। अच्छा तो पापा यूँ बताओ कब चलना है लेने के लिए? चिंता क्यों करते हो, आजकल में ही कर देते हैं। तो अभी चलते हैं ना। चलो पापा चलो। क्या वो कुछ बात कर रहे थे? अरे पापा चलो गाड़ी लेने। हाँ गाड़ी। हाँ आपने बोली थी ना अभी सेंट्रो लेने चलेंगे, वाइट कलर की। मैंने? अरे पापा आपने अभी तो बोला। हाँ अभी बोला, मैंने सुना, तूने सुना ना? मैंने सुना। मैंने भी सुना। अबे पागल पागल हो गए हो क्या? मैं ऑफिस में फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे पापा आपने कही थी, आप झूठ बोल रहे हो। अरे बोला था यार पापा, वो कहा था यार, झूठ बोल रहे पापा, अभी कही थी क्या पापा? आपने कहा था यार पापा ऐसा मत करो। चुप। अच्छा बेटे इधर आ। अच्छा गाड़ी ले जाएंगे। गाड़ी लेने जा। गाड़ी तू भी इधर आ। मैं भी आऊं। हां ये। अरे पगला गई है मेरी औलाद, तो बैठे हैं बेशरम अभी तक। ए निकलो यहां से। ए बाबा आप झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं। चलो तेरा आइडिया था ना गाड़ी लाने का? हाँ ये भी मेरा आइडिया था, तेरा आइडिया था ये। अरे भाई कब आएगी हमारी गाड़ी? भाई हमारी गाड़ी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते भाई।
भाई मेरे को भी ऐसा लगता है, पता है हमारे सारे दोस्त के पास गाड़ी है। हाँ हमारे पास ही नहीं है बस। ओ राहुल भी गाड़ी देने वाला है, पता है वो थार नहीं वाली। हाँ, हाँ। और वो नहीं प्रिंस पठानिया। हाँ वो ये वाला। हाँ वो ये वाला, उसने गाड़ी ले भी ली। वाह सही है यार, उसके पास गाड़ी भी आ जाएगी और मोटरसाइकिल स्कूटर। पता नहीं यार कब गाड़ी आएगी, मेरे को नहीं लगता कभी गाड़ी आएगी यार। हमारे पापा हमसे प्यार करते ही नहीं है भाई। भाई मुझे तो लगता है हमें मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है अब। नहीं यार जीने का फायदा तो है यार। अच्छा चल तू मर जा, मैं जी लूँगा। अरे बच्चों इधर सुनो बेटा, अरे इधर सुनो। अबे कौन भौंक रहा है बे? तेरा बाप। बाप जी। इधर आओ बच्चों इधर आओ। नहीं हम नहीं आएंगे, आप दूर से बात करो, आप मारते हो। हाँ दूर से बात करो। मैं सोच रहा हूँ कि ले ही आते हैं। ले आता हूँ, क्या ले आता हूँ? अबे 2 किलो आलू 2 किलो प्याज धनिया फ्री में। नहीं कार की सोच रहा हूँ, ले ही आते हैं। अच्छा कार ले आता हूँ। क्या क्या कार ले आते हैं? कार ले आते हैं? नहीं झूठ बोल रहे हो आप। सच्ची कह रहा हूँ। ओ भाई तू मेरे चूटी भरी हो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या पापा सच में कार लेने की बात कर रहे हो? अरे पापा आप सबसे दुनिया के बेस्ट पापा, लव यू। अरे पापा गाड़ी लेंगे। अरे बड़े शैतान है बच्चे। अरे पापा ये कहाँ ले आया हमको? हाँ यहाँ तो गाड़िया ही गाड़िया है बस। हाँ तो बेटा यहीं तो मिलेंगी दुनिया की नंबर वन गाड़िया। नंबर वन गाड़िया? लेकिन पापा ये तो सारी पुरानी गाड़ी है। हाँ अरे बेटा ये गैरेज मेरे फ्रेंड का है, सस्ती मिल जाएगी। चलो ठीक है। अरे भाई सेकंड हैंड। अरे यार सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हम। अबे यार सेकंड हैंड गाड़ी क्यों ले रहे हम? अबे छोड़ना, कम से कम गाड़ी तो आ रही है। हाँ ये भी है। अबे चल जल्दी चल, वो वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। नहीं ये अच्छी है। छुट्टे नहीं है बाद में, ये चल। ओए यही तो यहाँ का मालिक है मेरा दोस्त। ये हाँ मैं मालिक हूँ यहाँ का। यार ये बच्चे इन्हें पता नहीं है, मैं तो गरीब सा लग रहा है कोई। पता नहीं कौन है यार, कोई अच्छी सी गाड़ी दिखाओ यार। अरे भाई साहब नंबर वन गाड़ी है, एक नंबर की। अरे पापा ये तो बहुत छोटी गाड़ी है। नहीं बेटा नैनो है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। पापा इसमें मम्मी भी नहीं आ पाएंगी, हम कहाँ से आएंगे? और क्या, इंजन भी इसके पीछे होता है और पानी में जाती बंद हो जाती है। कोई बात नहीं यार, और दूसरी दिखा दे कोई। हाँ भाई कोई ऐसी गाड़ी दिखाओ, लग्जरी सी मस्त बढ़िया सी लंबी सी डिग्गी वाली दिखाओ। चलो उधर चलो। Oh my God! What a beautiful car! पापा डन है ये गाड़ी, एक नंबर की गाड़ी है ये तो। पापा बढ़िया गाड़ी है ये तो। अरे मस्त है यार, एक नंबर की गाड़ी। अरे भाई तो बहुत मस्त कार है, लाल रंग की चमचमाती हुई। भाई साहब क्या गाड़ी है? अरे गाड़ी एक नंबर की पापा। पापा ये गाड़ी एक नंबर की है, इसको टर्न कर दो। वो भाई साहब मस्त गाड़ी है तो, इसमें घूमने जाएंगे, मम्मी भी आराम से आ जाएगी इसमें तो। अरे भाई इसमें घूमने कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे भाई शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, कुतुब मीनार, हर जगह घूम लेंगे। मतलब हम जाएंगे केदारनाथ। हाँ केदारनाथ जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा इधर मेरे लाल यहाँ आ जा। भाई साहब पसंद आ रही है बच्चों को गाड़ी, कितने की है ये? अरे बस आपके लिए 15 लाख। बस 15 लाख? भाई साहब ये तो एक नंबर की गाड़ी है बिल्कुल, 15 लाख में। अरे भाई डन यार, सारी पेमेंट कैश में। यार ये हमारे बजट से बाहर है, थोड़ी सी हमारे बजट में दिखाओ ना। अरे कितने का बजट है आपका? यही 20-30 हजार है? मतलब 1,00,000 से 20-30 हजार ऊपर। आओ मेरे साथ। अरे भाई साहब देखो अब ये लास्ट गाड़ी बची है, लेनी है तो बताओ। हाँ ठीक है, वैसे गाड़ी तो है ठीक रहो, अच्छी तो लग रही है भाई। ये कितने की होगी भाई? 2 लाख की। पापा ये तो बजट में भी है, ले लो ना पापा प्लीज। यार थोड़ी सी कम करो दोस्ती के नाते। हाँ भाई साहब कुछ तो कम करो यार, थोड़ा सा डिस्काउंट दो यार, थोड़ा सा
अरे बस आपके लिए 1,99,000। दो चार बार और थोड़ा सा बोलते ना। थोड़े से और कर लो, थोड़े से। थोड़ा सा 1,98,000। बेटा थोड़ा सा और बोलो ना। हाँ पापा रुको, क्या पता थोड़ी देर में फ्री में दे दे। भाई साहब थोड़ा सा और दे रहे, दोस्ती के नाते देखो यार, थोड़ा सा दोस्त आपके यार। देखो 1,97,000। अरे यार रामलीला के दिनों में फ्री की मूंगफली चुरा के खाते थे हम, भूल गया? सही जा रहे हो पापा, सही जा रहे हो, लगे रहो। 1,96,000। ठीक है पापा, इतना तो फिर अब इतना चलता है पापा। हाँ वैसे दोस्ती की लिहाज रखी नहीं, पर ठीक है डन है। इसका एक काम करना, धुलाई करके रंगाई पुताई सब करके चमका देना, कल सुबह आऊंगा कैश पेमेंट देने गाड़ी ले जाऊंगा। हाँ भाई इसकी ना साफ सफाई अच्छे से कराना, ठीक है? और सर्विस भी करा देना, एसी इसका एक नंबर होना चाहिए। हाँ और इसमें वो तो ना पावर विंडो और वो स्टीयरिंग जो होती है पावर वाली जो अपने आप काम करती है। अरे भाई साहब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। 1-2 किलो लड्डू रख दियो, मंदिर में जाएंगे ना तेरी भाभी पूजा करेगी तो। अरे सब कुछ ओके करवा दूंगा, ठीक है, लड्डू एक्स्ट्रा ही करवा दूंगा। ठीक है भाई साहब, बोर मत करो बाप। ओके बाय बाय। तो गाड़ी आएगी, यस अब मजा आएगा, गाड़ी आएगी अपने घर पे भी। अबे आएगी नहीं भाई, आ गई बस। अब तो मम्मी भी खुश हो जाएंगी वैसे, है ना, गाड़ी देख के नई चमचमाती कार में। और बबीता जी भी खुश हो जाएंगी। बबीता कौन है? मेरा मतलब तेरी मम्मी। अच्छा अरे मम्मी आज पता क्या हुआ? क्या हुआ? आज हम गाड़ी देख के आए हैं। किसकी? अरे हमारी गाड़ी, और पापा ने गाड़ी बुक कर दी। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ की बोलेंगे हम, मेरी कसम। अरे तो अपने क्यों कहा मेरी कहा? अरे आपकी कसम। हाँ मम्मी अब तो विश्वास हुआ आपको? अरे मुझे तो लग रहा है मेरी तरकीब काम कर गई। तरकीब कौन सी? पता नहीं, चल होगी कोई सी। तेरे पापा को पटाने की? अच्छा यार नई गाड़ी आएगी, मजा आएगा। मम्मी घूमने जाएंगे मम्मी, हर जगह घूम के आएंगे, अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, छतरपुर मंदिर, बहुत सारे मंदिर घूम के आएंगे, जहाँ जहाँ बोल रहे थे ना, मजा आएगा। अरे भाई वहाँ भी जाएंगे, वो इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ पे भी चलेंगे, वो जहाँ स्विमिंग पूल होता है, राइड वगैरह होती है, वहाँ सब चलेंगे ना। प्लस 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 चलेंगे, मजा आएगा। चलो मम्मी हम चलते, बाय बाय। सामान तो मंगा ले, ऐसे दुखी करके लाते हैं, बताओ। अरे भाई मिठाई तो आई नहीं। अरे तू भूल गया क्या, मिठाई तो गाड़ी में आएंगी फ्री में। अरे कहाँ रहेगा यार पापा, इतनी देर होगी खड़े हुए। भाई फोन मारना। अरे यार फोन तो लग ही नहीं रहा। अरे ये किसी गाड़ी है? पता नहीं किसकी आ रही। अरे अपनी गाड़ी कब आएगी? अरे यार मैं तो थक गया खड़े खड़े, मम्मी मैं अंदर जा रहा हूँ। शिवा क्या तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? पापा की आवाज। हाँ मेरे को भी सुनाई दिया थोड़ा सा। लेकिन पापा कहाँ हैं? पता नहीं भाई। बस डीकरो क्या तुझे कुछ सुनाई दिया? पापा की आवाज। हाँ मम्मी आपको सुनाई दिया ना, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे लेकिन है कहाँ पे पापा? पता नहीं भाई। अरे फोन किसका आ रहा है? अरे मेरा आ रहा है। ओ पापा का फोन है, उठा 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 उठा। हेलो। अरे पापा यार कहाँ पे हो आप, इतनी देर से खड़े हैं हम धूप में, पता कितनी धूप लग रही है हमको। हाँ मम्मी भी खड़ी है, मम्मी के घुटने में दर्द। राइट साइड में देख। राइट साइड में उसमें है शायद। और दिख रहे हो? अरे पापा किसकी गाड़ी मांग के लिया है? हमारी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अरे किराए पे चलानी शुरू कर दी क्या? पापा ड्राइवर बन गए क्या कैब के? अरे मेरे लाल मेरे पीले, ये हमारी नई कार है। अच्छा नई कार है। अरे भाई खड़ा क्या पापा? नई कार? हाँ हमारी, मतलब ये हमारी नई कार है। हाँ नहीं पापा मैं नहीं मानता, एक और बार और बोलो। बेटा हमारी नई कार है ये। अरे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। ओ भाई चूटी भर चूटी भर चूटी भर। ओ भाई ये कोई सपना नहीं है यार, ये तो सच में गाड़ी लिया है पापा। अरे पापा भी ये गाड़ी कहाँ से लिया है? वो भी इतनी नई गाड़ी। नई गाड़ी क्या, तो गाड़ी ही नहीं है। अबे नई गाड़ी वही तो कह रहा हूँ। तुम तो कह
रहे थे, पुरानी देख के आए। अरे हाँ अब पापा, हम तो पुरानी गाड़ी देख के आए थे बैंगनार। हाँ आप ये कैसे ले आए? बेटा वो डील कैंसिल कर दी और मैं नई कार ले आया। वो कैसे? बेटा असल में हुआ यूं के टीवी देख। अरे अरे अरे, मैं कोई पागल नहीं बना रहा, मेरी बात दोबारा सुनिए और रिमोट को नीचे रख दीजिए। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी अपना फोन उठाओ और जीतो एक सुनहरी कार, वो भी सिर्फ 500 रुपए। अरे 500 रुपए मेरे यार, 500 रुपए में गाड़ी जीतने का मौका? अरे सिर्फ 500 रुपए ही तो है, कौन सा तुम्हारा कुछ घट रहा है? इतने की तो मैं पान खा के थू देता हूँ। वैसे तो ये मेरे 15 दिन की बीड़ी का खर्चा है, पर रिस्क ले लिया जाए। फोन उठाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और जीते सुनहरी कार। नंबर लिखिए रजिस्ट्रेशन का, 9 8 9 7 1। बाकी दम भी कदम। अरे लिखो यार, जीतो यार, जल्दी जीतो। हो गया, पानी ला रहे और मुझे कार मिल गई। अरे वाह पापा, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले अपनी गाड़ी के। चलो पापा, अब इसको इससे घूमने चलते फटाफट कहीं। सही कह रहा है। अरे पहले अपनी मम्मी को पूजा तो करने दो कार की। अरे यार जल्दी करो मम्मी पूजा, फिर से तो रुको नहीं चाह रहा। अरे वाह यार, देख यार मम्मी ने तो पूजा भी कर ली। हाँ मम्मी भी हैवी ड्राइवर निकली यार बड़ी। नई गाड़ी की पूजा की है, पैसे दो। हाँ पैसे तो बनते हैं। पैसे बहुत है मेरे पास, आज सोने का सिक्का दूंगा तेरे को, सोने का। ये लो सोने का सिक्का। अरे वाह मम्मी, सोने का सिक्का। ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए बख्शीश है, रखो। तो ये थी मेरी एक प्यारी सी वीडियो जिसकी आज पहली बार हैप्पी एंडिंग हुई है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट भी बता देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। लव यू, बाय बाय।